73वीं बरसी के मौके पर महात्मा गांधी को याद करते हुए 30 जनवरी 1948 तारीख जिसे कोई भी फरामोश नहीं कर सकता। शाम की दुआ के दौरान बिरला हाउस में मुल्क के मशहूर मारूफ रहनुमा महात्मा गांधी का कत्ल किया गया। हर साल 30 जनवरी महात्मा गांधी की याद में यौम शहीद के तौर पर मनाया जाता है, जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। बापू, जैसा कि उन्हें प्यार से कहा जाता था, ने अदम तशद्दुद और पर अमन तरीकों से हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में सबसे नुमाया किरदार अदा किया। आखिरी अल्फाज जो उन्होंने बोले थे वे थे, हे राम, अदम एता आओ तहरीक से दांडी मार्च तक, मुल्की नाफरमानी की तहरीक तक और बहुत कुछ। गांधी जी जो एक बहुत सादा अज़्म इंसान थे, ने हिंदुस्तान की आज़ादी, फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। सादा और बोरी की तरह की धोती में मलबूस 78 साला रहनुमा को हिंदुस्तान के लिए उनकी मोहब्बत और कुर्बानी के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। वो हमेशा हिंदुस्तान की अजीम रूह होंगे। सिर्फ वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आवाम से वही मोहब्बत और प्यार मिला है जैसे महात्मा गांधी को मिला था। जिसकी बापू ने ख्वाहिश की उसे वजीर आजम मोदी ने फ्राहम किया है। हम प्यारे बापू के सामने अदब से झुकते हैं और ख्वाहिश करते हैं कि उनके नजरियात खुशहाल हिंदुस्तान के कयाम में हमारी रहनुमाई करते रहें। जय हिंद।